साहब स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए, इसलिए ये हमारे देश की डूबती नैया को बचाने आए हैं। बजाओ ताले। बड़ों को नाराज करने से मैं डरता नहीं हूं भाइयों, क्योंकि मुझे गरीब के लिए जीना है, गरीब के लिए जूझना है। और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, इस देश में 50 साल से गरीबी के नारे सुने हैं, मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि मैं गरीबी में पैदा हुआ हूं। इनका दावा है कि देश के हर भूखे नंगे को रोटी खिलाएंगे और खुद भी दबा कर खाएंगे। बजाओ ताले। ये हमारे एमपी साहब कह रहे थे रेलवे लाइन, ये काला धन वापिस आ जाए, जहां चाहो वहां रेलवे कर सकते। हम उल्लू नहीं बनेंगे। बजाओ ताले। हमारे देश में रक्त की धाराएं बह रही हैं कि बताइए हिंदुओं को किसके साथ लड़ना है। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। काटो काटो, अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। ये मुर्दों का देश है, वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिमका, मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको, क्यों समझा रहा हूं? पागल हूं मैं, भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। कभी कांग्रेसियों को गुस्सा आया था, हजारों सिखों को मौत के घाट उतार दिया था, उस गुस्से में हजारों सिखों को जिंदा जला दिया था। जब तक हमारे डिपार्टमेंट के गद्दार और खादी के कपड़े के पीछे छिपे हुए दरिंदे जिंदा रहेंगे ना, ये चिताएं ऐसी ही जलती रहेगी, एक के बाद एक। कुछ लोगों का स्वभाव होता है रोते रहना, न मेरा रोने में विश्वास है न रुलाने में विश्वास है। अच्छा है, अच्छा है। रामायण सीजन के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी इंसान, इंसान, नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े कीड़े, रेंगते रहो, सड़ते रहो और मरो, आए और गए, खेल खत्म। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। ये लड़ाई जीतनी है, बेईमानी खत्म करनी है। आइए भाइयों बहनों, आइए हम सब मिलके चले। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी।